OMG, अभिनव शुक्ला ने थैंक यू कहा राखी सावंत को। ओ माय गॉड, वेल किस लिए कहा है चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हृदम ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था अभिनव ने, और इस इंटरव्यू में दरअसल अभिनव शुक्ला ने राखी सावंत को थैंक यू कहा है। इस थैंक यू की मैं आपको वजह बताती हूँ कि दरअसल अभिनव और रुबीना का रिश्ता जो है, जब बिग बॉस के घर में गया था वो कुछ खास नहीं था, और डिवोर्स की सेपरेशन की बातें चल रही थी। मुझे एक्चुअली बार बार इन सब चीजों के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ऐसा वक्त था जो निकल चुका है, इस नए वक्त के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन अपडेट ऐसी है जिसमें अभिनव ने राखी को थैंक यू कहा है, क्योंकि जबकि जिस तरह का माहौल बिग बॉस के घर के अंदर बन गया था, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि पहली बात तो ये कि देखिए मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन फिर भी अभिनव ने ये बात क्लियरली कह दी, और अब उनके और रुबीना के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है। इनफैक्ट थैंक यू इसीलिए कहा है क्योंकि कहीं ना कहीं राखी ने उन दोनों का रिश्ता जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग कर दिया है। वाल आपको बता दूं यहाँ पर कि जब अभिनव पर उंगलियां उठाई थी राखी सावंत ने, तो रुबीना ने गुस्से में आकर उनके ऊपर पानी फेंक दिया था, और इस चीज पर अभिनव जो है वो कुछ रिएक्ट तो नहीं किया था, लेकिन उन्हें इस चीज का एहसास जो जरूर हुआ था कि भाई रुबीना उनके दिल के कितने करीब है, रुबीना उनकी कितनी रिस्पेक्ट करती है, और उनके लिए वो हर किसी से लड़ जाएगी। तो कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से रुबीना और अभिनव का जो रिश्ता है वो और स्ट्रांग हुआ है, और कहीं ना कहीं इसे बिल्डअप करने में राखी सावंत ने भले ही नेगेटिव किरदार निभाया हो, लेकिन फिर भी ये अच्छा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आप लोगों को भी लगती है ये वाली बातें? वेल, राय बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही बिग बॉस और बॉलीवुड की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।